नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिया। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव लगातार सरकार पर निशाना साधते हुए आ रहे हैं। सरकार के द्वारा किए हुए वादों की जमीनी हकीकत, या यूं कह लीजिए कि उनकी पोल खोलते हुए नजर आ रहे थे। कोरोना काल में लगातार वो सरकार के अस्पतालों के निरीक्षण करने पहुंचते थे और अस्पतालों का निरीक्षण करते वक्त वो सरकार के द्वारा किए हुए वादों की पोल खोलते थे। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आपने खुद देखा होगा कि किसी भी वक्त देर रात या फिर किसी भी वक्त वो अस्पताल पहुंच जाते थे और लोगों की वहां पे पहुंचकर मदद भी करते थे, साथ ही साथ वहां पहुंचकर सरकार की पोल भी खोलते थे। हालांकि इस वक्त वो DMCH में एडमिट हैं, उनकी तबीयत ख़राब है। उसके पहले वो जेल में थे, जिसके बाद जेल में उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी और आनन फानन में उन्हें DMCH में एडमिट करवाया गया। इस वक्त वो अपना वहाँ पर इलाज करवा रहे हैं, लेकिन इस वक्त भी वो सरकार पर निशाना साधने से चूक नहीं रहे हैं। एक बार फिर से उन्होंने निशाना साधा है और इस बार सरकार, बिहार की सरकार पर निशाना नहीं साधा है, इस बार उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि वैक्सीन के बारे में अफवाह कौन फैलाया, 8 अप्रैल 2021 को बिना वैक्सीन कोरोना को मात देने की घोषणा स्वयं PM ने किया, जबकि तब देश में हजारों लोग मर रहे थे। बीजेपी के बड़े नेता कार्यकर्ता वैक्सीन के बजाय गोबर और गोमूत्र को कोरोना का रामबाण इलाज बता रहे थे, क्या उन सबों पर कार्रवाई होगी? आपको बता दें कि वो लगातार सरकार पर निशाना साध रहे हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर बिहार सरकार। वो हर उन कमियों को गिना रहे हैं, या फिर यूं कह लीजिए कि वो हर उन वादों को लेकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं जो सरकार जो है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर बिहार सरकार, जनता से कर रही है। उसको लेकर वो लगातार सरकार से सवाल पूछ रहे हैं और तीखे सवाल पूछते हैं हर बार वो। इसके अलावा आपको बता दें कि जब पप्पू यादव गिरफ्तार हुए थे, उस वक्त उनकी पत्नी रंजीत रंजन खुद पटना पहुंची थी और पटना पहुंचकर उन्होंने प्रेस वार्ता की थी। उन्होंने कहा था कि जब जल्द ही पप्पू यादव जेल से बाहर निकलेंगे और जैसे ही वो जेल से बाहर निकलेंगे वो एक बड़ा खुलासा करेंगे। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या वो बड़ा खुलासा कब कर सकेंगे, क्योंकि अभी तक पप्पू यादव को बेल नहीं मिल पाई है। हालांकि ये 32 साल पुराना मामला है और लगभग कई प्रयासों के बाद भी उन्हें बेल नहीं मिल पाई है। तो ऐसे ही अपडेट पाने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।